12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, एग्जाम प्रिपरेशन के सेक्शन में मैंने आपको अभी तक अनसीन पैसेज सॉल्व करना, नोट मेकिंग कैसे करें और सेक्शन सी जो ग्रामर पोर्शन है उसमें 10 मार्क्स बेस्ड जो एक्सरसाइज है ग्रामर की उसके वीडियो सेंड कर चुकी हूँ। साथ में मैंने आपको सेक्शन डी जो टेक्स्टुअल पार्ट है उसमें से मैंने 5 मार्क्स के प्रोज सेक्शन में से और 3 मार्क्स के पोएट्री सेक्शन वाले भी जो वीडियो हैं मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ और आप उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज के सेक्शन में मैं आपको आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है जिसका नाम है विस्टास, उसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट हैं उनका वीडियो सेंड कर रही हूँ और ये एग्जाम में ये आपको 4 मार्क्स के आएंगे। तो अगर हम सेक्शन डी में ऑब्जेक्टिव पैटर्न की बात करें तो ये अपने टोटल 12 मार्क्स का इसमें से आना है और ये अलग अलग एक्सट्रैक्ट मैंने आपको भेजा है और आज भेज रही हूँ सप्लीमेंट्री रीडर बुक का। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आप इसको एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये सारा आंसर आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहला हमारा एक्सट्रैक्ट है, आफ्टर अ फ्यू डेज द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। Till that time, the king had been so engrossed in tiger hunting that he had never spent any time with his family. Now, as he had fulfilled his vow of killing 100 tigers, he gave his attention to his child. King Jang Bahadur wanted to give a special gift to his son on his birthday, and so he went to the shopping center in Pratibandhapuram. He searched every shop but could not find any suitable gift for his son. Finally, he saw a wooden tiger in a toy shop and considered it to be the perfect gift. The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter, but the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. So he said, "Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. A bargain at 300 rupees only." अब यहाँ पर ये वाला जो एक्सट्रैक्ट है ये आपका है लेसन है जो टाइगर किंग उसके अंतर्गत है और इसके अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाट बर्थडे गिफ्ट डिड द महाराजा प्रेजेंट टू हिज 3-year-old son? तो हमने देखा ना कि वो अपने 3 साल के बच्चे को क्या गिफ्ट देना चाहता है, तो वो देना चाहता है एक बहुत स्पेशल, तो वो देखता है एक टॉय टाइगर, मतलब टाइगर जैसा एक खिलौना, तो एक टॉय टाइगर उसको गिफ्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट वाज द कास्ट ऑफ द वुडन टाइगर? वो जो वुडन टाइगर जो लकड़ी का खिलौना रहता है उसकी एक्चुअल कास्ट कितनी रहती है? तो देखो यहाँ लिखा है द वुडन टाइगर कास्ट ओनली 2 annas एंड अ क्वार्टर, यानी सवा दो आना उसकी कीमत रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 annas एंड ए क्वार्टर। यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप क्या लिखा है, वुडन टाइगर कास्ट, द वुडन टाइगर कास्ट ओनली 2 annas एंड अ क्वार्टर, तो इसी को आपको एज ए आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ डिड द किंग फुलफिल हिज वो? वो अपनी जो इच्छा शपथ रहती है उसको कैसे पूरी करता है? A by donating coins, by killing 100 tigers, by building a palace, by planting trees. तो इसका सही आंसर है by donating coins, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला शब्द कि वो coin donate करके अपनी वो fulfill करता है। Question number 4 देखो, the word rare means, rare का क्या मतलब है? A common, B typical, C unique या D standard? तो right answer है typical. तो द वर्ड रेयर मीन्स टिपिकल। आप मेरे साथ साथ अगर इनके क्वेश्चन आंसर बोलेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड एक्सट्रैक्ट। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक सोलाश्की हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंटार्क्टिका। My journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water
and at least as many ecospheres. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in a combination of a car, an aeroplane, and a ship. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and the uninterrupted blue horizon was a relief, followed up with an immediate and profound wonder. Wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time where India and Antarctica were part of the same landmass. अब ये वाला जो एक्सट्रैक्ट है ये आपका है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का. इसमें क्वेश्चन नंबर वन देखें. व्हाट वर द राइटर्स फीलिंग ऑन रीचिंग द कॉन्टिनेंट. ए ऑफ रिलीफ एंड अमेजमेंट. बी टायर्ड एंड फैटिग्ड. सी सैड. डी नन. तो यहाँ पर जब राइटर अंटार्कटिका पहुंचती है तो उसको क्या फील होता है? रिलीफ फील होता है और अमेजमेंट फील होता. सो द राइट आंसर इज of relief and amazement. Question number 2 dekho. The word isolation means A. separation. B. society. C. company. D. connection. Isolation matlab prathak karna. To ye ho jayega answer A. separation. The word isolation means separation. Question number 3 dekho. What kind of atmosphere does Antarctica have? A. coldest. B. driest. सी विंडियस्ट. डी ऑल द एवर. तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पे पूरे आए हैं द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडियस्ट. यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑल द एवर. फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एवर प्रेसेज विच मीन्स पार्ट ऑफ द अर्थ एनवायरमेंट इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड. तो यहाँ पर बीच का जो शब्द है वो आया है कॉन्टिनेंट. अब चलते हैं थर्ड पैसेज की तरफ. टू मेक द साउंड इफेक्ट ऑफ हाउ द स्कंक नॉक द डोर. जैक नॉक्ड ऑन द विंडो सिल एंड जो वॉज थ्रिल्ड. जैक कंटिन्यूड दैट द ओल्ड मैन विथ अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड एंड अ ब्लू पॉइंट पॉइंटेड हैड केम आउट. देन जैक मेड हिज फेवरेट साउंड इफेक्ट एंड कंटिन्यूड दैट द विजार्ड आस्क रॉजर what he wanted, that he had a very bad body odor. Then to this Roger replied that he knew that he smelled bad and told him that all the other animals run away from him. He also told the wizard that the wise owl had told him that he could help him. Then the old man replied that maybe he could and asked Roger Skunk to follow him inside and not to get too loose. Then Jack described how the house of the wizard was really dirty from inside because he did not have a cleaning lady, to which Joe asked why was it so. He then replied that because he was a very old man and also a wizard, he did not require any cleaning lady. Then Joe again interrupted and asked that would the wizard die, to which again Jack replied that wizard never died. Then the wizard started looking out for something and took out an old stick called the magic wand. He asked Roger what he wanted to smell like and he replied that he wished to smell like roses. Joe was happy about the fact that he wanted to smell like a rose. Then Jack said the magical word in the voice of a wizard. अब ये जो है जो एक्सट्रैक्ट है वो लिया है should wizard hates mummy इससे लिया गया है. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो. व्हाट डिड द विजार्ड आस्क रोजर. ए व्हाट डिड ही वांट टू हैव. व्हाट डिड ही वांट टू ईट. व्हाट डिड ही वांट टू स्मेल लाइक. या नन. इसमें विजार्ड रोजर से क्या पूछता है? सही आंसर है व्हाट डिड ही वांट टू हैव. यहां दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 देखो. व्हाट डिड रोजर वांट टू स्मेल लाइक. रोजर किस तरह की खुशबू चाहता था? ए मैरीगोल्ड. बी सनफ्लावर. सी जैस्मिन. डी रोज. तो रोजर वांट टू स्मेल लाइक रोजेस. तो आंसर क्या है? रोज. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. द वर्ड विजार्ड मींस. विजार्ड का क्या मतलब होता है? ए मैजिशियन. बी मास्टर. सी डॉक्टर. या डी नोवेल्स.
तो यहां पर विजार्ड का मीन्स होता है मैजिशियन या जादूगर। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट एडवाइस डिड द वाइज ओल गिव टू रॉजर स्कंक? तो ए टू विजिट हिज फ्रेंड, टू थिंक डीपली, टू कंसल्ट हिज मदर, टू कंसल्ट द विजार्ड। तो ऑल उसको क्या एडवाइस देता है कि वो किससे बात करे, किससे सलाह ले? विजार्ड से। तो यहां पे सही आंसर होगा टू कंसल्ट द विजार्ड। क्वेश्चन नंबर फोर या एक्सट्रैक्ट नंबर फोर देखें बच्चों। द इंजर्ड मैन वॉज एन अमेरिकन। एज हिज कैप फेल ऑफ, दे सॉ हिज वेट येलो कलर्ड हेयर विच हैड नॉट बीन कट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही वॉज यंग, हिज फेस हैज सच मार्क्स विच इंडिकेट दैट ही हैड बीन टॉर्चर्ड। He had a rough, unkempt, yellow-colored beard. As he had fainted, he did not know of the presence of Sadao and Hana. Now Sadao remembered the wound, and with his expert fingers he began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. The flesh was blackened with powder. Sometime not many days ago, the man had been shot and had not been tended to. It was a bad chance that the robbed struck the wound. अब ये वाला जो है, ये है आपका extract the enemy से। और यहाँ पे question number one आता है, who was the injured man? तो पहला answer इसी में मिला है, the injured man was an American. तो इसका सही answer क्या होगा? American. Who was the injured man? As American. Question number two. How did the man get injured? A by gun, by stone, by sword, D none. तो वो किससे इंजरी मिली थी उसको? गन से। तो by gun. Question number three. Who was Sadao? Sadao कौन थे? A a soldier, B a fisherman, C a doctor, D a farmer. तो Sadao क्या थे? एक doctor थे. Question number four. The face of the injured man indicated A. that he was in pain, that he was tortured, that he was old, that he was handsome. तो उसके फेस पर जितने घाव थे वो सब क्या बता रहे थे? जो इंजरी थी वो क्या बता रहा था? कि उसको टॉर्चर किया गया है। तो बी आंसर, दैट ही वॉज टॉर्चर्ड। तो बच्चों ये थे हमारे सप्लीमेंट्री रीडर के इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।